आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन कोलकाता, कोलकाता की सबसे डरावनी जगह। हम में से कई लोग भूत प्रेत विश्वास करते हैं और कई लोग नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि स्टोरी सही है या गलत, क्योंकि ये स्टोरी वो स्टोरी है जो हम हमेशा से कोलकाता के बारे में सुनते आए हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल लाइब्रेरी अलीपुर, यह एक हॉन्टेड लाइब्रेरी है। यहाँ पर स्टडी करने वाले स्टूडेंट ने बताया है कि उनको अक्सर ऐसा लगता है कि पीछे से उनकी गर्दन पर फूंक मार रहा है। अब ये जगह जब हॉन्टेड है तो इससे साथ कई कहानियाँ भी जुड़ी है। कई लोगों का ऐसा बोलना है कि यहाँ लॉर्ड मैट कैफे की वाइफ का भूत घूमते रहता है। अंडर द हावड़ा ब्रिज, वैसे तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता की शान माना जाता है, लेकिन यहाँ पर एक एरिया ऐसा भी है जो हॉन्टेड है। इस ब्रिज के किनारे जस्ट इसके नीचे एक प्लेस ऐसा है जहाँ लोग एक्सरसाइज करते हैं। उन एक्सरसाइज करने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार पानी के अंदर से हाथों को निकलते हुए देखा है, और उनका ये मानना है कि ये उन लोगों की आत्मा है जो गंगा में डूबकर मर गए होंगे। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, ये कोलकाता की सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोग अक्सर आत्महत्या करने के लिए ट्रेनों के नीचे आ जाते हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस मेट्रो स्टेशन पर तकरीबन 80% आत्महत्या हुई है। अगर पूरे कोलकाता का डेटा देखा जाए तो ऐसा कहा जाए तो यह आत्महत्या की जन्नत है, और आत्महत्या करने वाले लोगों की आत्माएं भी इस स्टेशन पर भटकती है, और कई लोगों ने उनके प्रेजेंस को महसूस भी किया है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी यंग, स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।